हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना राज। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रीना राज पे। यहाँ पे देखिए, आज इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया था ना गाइस, क्या ही बताऊँ। वैसे तो बिहार में भी आया था, मैं बात की थी अपने हस्बैंड से तो बता रहे थे बहुत तेज़ तूफान आया था। आप लोग के साइड आया था कि नहीं आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे यहाँ पर इतना तेज़ आंधी आया था ना, पता नहीं क्यों आप लोग को कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं होगा, कैच नहीं हो पा रहा था, बट हाँ बहुत तेज आया था आंधी। वैसे आया बस आधा घंटा और उसके बाद तुरंत ही चला गया। मुझे तो लगा कि यहाँ भी पूरा आएगा, फिर से आम का पेड़ टूटने वाला है। और बहुत सारी लड़कियाँ मतलब बच्ची लोग गई थी आम बीनने के लिए, हम लोग देखे। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सारा कपड़ा वगैरह सब कुछ फोल्ड कर रही थी, इतना ज़्यादा कपड़ा साफ़ हो गया था कल की, क्या ही बताएं आप लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ा साफ़ हो गया था। एंड सबको फोल्ड करते करते मुझे तो एक्यूरेट एक घंटा लग गया था, सॉरी आधा घंटा, एक घंटा नहीं आधा घंटा लग गया था कपड़ा सारा फोल्ड करने में। एंड आप लोगों को देखने में लग रहा हो कि बस 2 मिनट में हो गया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे कपड़ा फोल्ड करने में। और गाइज मैं बता दूँ आप लोगों को कि कल हम लोग की ट्रेन है, अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो कहाँ जाएंगे इसके लिए आप मेरे ब्लॉग को इन तक ज़रूर देखिएगा, एंड अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में खूब 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 शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे नमकीन एंड ठेकुआ, हम लोग ठेकुआ बोलते हैं, खस्ता भी कोई लोग बोलता है। तो मम्मी आटा वगैरह गूँथ दी थी, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का पूरा बन के तैयार हो गया, मतलब बना नहीं है कट के तैयार हो गया, बस अब इसको तलना बाकी है। एंड हम लोग गुड़ का ठेकुआ ज़्यादा खाते हैं गाइस, तो यहाँ पर गुड़ का ठेकुआ बन रहा था, मम्मी बना रही थी एंड मैं बस कट करवा दी थी, उनका हेल्प करवा दी थी। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए एंड इन तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं चिक्की का सारा दवाई रख रही थी एंड अब गाइज मुझे आदत हो गया है, मैं कहीं भी जाती हूँ सारा दवाई लेके चली जाती हूँ। एंड मुझे पता भी रहता है कौन बुखार है, कौन फीवर का है, कौन सर्दी का है, कौन खांसी, कौन एंटीबायोटिक है, मुझे नहीं लगता है मुझे ये सब पता रहता है। बट अब जब से चिक्की आ गई है मेरे पास तो मैं ये सब कुछ अपने साथ कैरी करती हूँ। एंड इसको देखिए ये कहाँ पूरा बैग पर चढ़ी जा रही है, एंड इस पर चढ़ के देखिए कैसे खड़े हो जाएगी। इसके साथ पैकिंग करने में यही होता है, हमेशा इधर से उधर करती रहती है। पहले मैं सोचती थी कि मम्मी लोग कैसे कैरी करती है, आंटी लोगों को देखती थी कि सारा दवाई वाई कैसे उनको याद रहता है, बट अब खुद पे हो रहा है तो मुझे याद रह रहा है। सो गाइज नाइट में फिर मैं सारा कुछ पैक वगैरह कर दी एंड इतना सारा काम था ना कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इधर से रखना ये रखना वो करना, ज़्यादा कुछ मैं कैप्चर ही नहीं कर पा रही थी, बहुत कुछ मैंने कैप्चर नहीं किया। होता है ना जब काम लोग करते हैं तो कैमरा सेट करना रखना ये सब, मतलब गुड मॉर्निंग गाइज, तो कैसे हैं आप सब? एंड ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो अभी मैं नहा ली, पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया एंड अभी बज गए हैं सुबह के 7:30, मतलब 8 बजने वाले हैं। तो आज है हम लोग को निकलना और बहुत क्या कहें, इतना कल से परेशान है क्या कहें बताया जाए। तो अभी तो मम्मी और चिक्की गई हैं मंदिर, तो चलिए आती हैं फिर आपसे बातें करते हैं हम। मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए एंड देखते रहिए।
आ गई मैं मार्केट से, एंड मार्केट में भी कुछ काम था, रहता ही कि मतलब कुछ ना कुछ हल्का छूटा ही रहता है, जाना रहता है, तो बस वही थोड़ा बहुत काम था तो करके फिर हम लोग आ गए घर। एंड घर आने के बाद मम्मी सब कुछ पैक कर रही थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ सब बैग में डाल रही थी। एंड आप लोगों को पता है एक बात, मैं कहीं जाना मुझे रहता है तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा टेंशन होता रहता है। आप लोगों को मेरी शक्ल से दिख रहा होगा कितना ज़्यादा टेंशन में हूँ, मतलब पता नहीं क्योंकि अंदर हर बड़ी सी मची रहती है कि जाना है ये वो, मतलब हज़ार काम मेरे माथे में चलते रहता है। और वैसे भी आज तो मेरा फास्ट है, एंड चिकी को भी सुला दिए, देखिए यहाँ से आराम से सो रही है, इसलिए हम सोचे जल्दी जल्दी सारा कुछ जो भी बचा है वो सब पैक वगैरह कर लेते, नहीं तो जब जग जाएगी तो फिर इसका एक अलग ही रहेगा, इसको भी संभालना रहता है साथ में। तो बस हम लोग का सब कुछ पैकिंग वगैरह हो गया कंप्लीट, एंड अब मैं थोड़ी देर में निकलूंगी, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा एंड देखते रहिएगा। और कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फाइनली गाइस यहाँ पे हम सब हो गए रेडी, हम सब नहीं मतलब मैं रेडी हो गई हूँ, एंड चिकी को भी कंघी कर रही हूँ, बट इसका बाल ऐसा है ना कि जल्दी मतलब होता ही नहीं कंघी, देखिए अभी भी अच्छे से नहीं हो रहा है। फिर मैं बोली कि चलो जैसे हो रहा है वैसे जल्दी कर देती हूँ, वैसे भी कैप पहनाना है, बहुत धूप है बाहर, तो बाल बस ऐसे ही लपेट दी मैं इसका। देखिए आगे से कैसे दिख रही है एकदम, अभी सो के जगी है ना इस वजह से तो थोड़ा सा इसका चेहरा उतरा उतरा सा दिख रहा है। और बाल कंघी कराना इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कपड़ा वगैरह पहनना, आप लोग देखते ही हैं। एंड यहाँ पे मेरी मम्मी भी रेडी हो गई है, एंड चिकी को देखिए ना अपना ये बाल अच्छे से करवा रही है, और ना ही ये देखिए अब रो रही है कैसे। हाँ अभी चलो पाउडर लगा लो फिर, मेरी मम्मी देखो ऐसे पोछ पोछ के सिखा रही है। हाँ ऐसे, हाँ चलो नानी के साथ। हाँ फाइनली गाइज अभी हम लोग हो गए हैं रेडी, एंड इतना हड़बड़ गड़बड़ होने के बाद फाइनली रेडी हो गए हैं और अब निकल रहे हैं थोड़ी देर में। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड अब न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, अच्छे से स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।